अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? अज की वीडियो में मैं थानू अपनी हवेली का विजिट करवाना वे, थानू अपनी हवेली बखाना वा। तो चलो दोस्तों शुरू करने हैं। ए साड़ी हवेली है, साड़ी जगह पई दी है, ए भी जगह इन जी खुली पई दी ओपन ही। इतो कोई सब्जी वगैरह ला लू लई दे, ऐतकी नहीं अं लाई दी। उस तो बाद दोस्तों साढ़े इस जगह तो अं थोम वगैरह लाए दा, हूँ जगह इन जी ओपन पई दी है। ए जानवर का गोहा वगैरह सुट छड़ी दे, जरा खाद का काम कर दे, जमीन में बहुत ज़्यादा ताकत आई जाती है। नाल कुछ दरेकां लगी दियां ने, दरेक अं आपे नहीं लाई दियां, उग पई दियां ने अपने दरकोने हैं इतने डिगे दे, आपे उग पई दियां ने। लेकिन अं हूँ इन्हों पानी भी पाई दे तो सेव की दियां ने ताकि अगू कल छां बन जाए। तो इधरों भी इधर वाली भी सारिया दरेक आपे उगी दियां ने, ए वाली वड्डी दरेक अं आपे लाई दी, बाकी सारिया दरेक आपे उग पई दियां ने। लेकिन हूँ इन्हों अं पानी वगैरह पाने। तो यह साड़ी हवेली है जी, अं चार दुआरी कढ़ के दीवारा कढ़ के बनाई गई, जिसे अंदर अं जानवर वगैरह बनने। चलो हूँ तो अंदरों भी हवेली बनाने। सब तो पहले नंबर से यह साड़ी दरेक जी है ना, गर्मियों में सुक गई है। पिछलिया गर्मियों में ऐसी बड़ी सुनी तो बड़ी ठंडी छां थी, लेकिन है ना गर्मियों में पता नहीं कि मसला नहीं बने, सुक गई है। उस तो बाद बूटी लाई दी फुल वाले, सारा दिन गर्मी पैंती फुल लाते सुक जाते हैं, लेकिन फिर बाबा कोई 50-60 फुल बन गए होंगे सुबह तक। साड़ी मोटर लगी थी पट्ठे कुतरन वाली, और सामने ही थूम टंगया था वे। थूम अज तो तकरीबन कोई 1.5-2 महीना पहले ही पुट लिया ही, जरा मोटा मोटा थूम ही सही सही ओही कढ़ के इत्थे रख ले दे अगले साल वास्ते भी सही हो। अगले साल अं अपने घर के भी इस्तेमाल कर लाँगे। ऐ सामने सरगाड़ लगा दे, पंजाबी हाड़ी जबान पंजाबी दे चलो सरगाड़ कहिंदे ने, लेकिन गोहे वगैरह कट्ठे कट छड़ी दे सर्दियों वास्ते, क्योंकि गर्मियों में तो बालन का मसला नहीं होंगे, बालन तो बेशुमार लग जाता, लेकिन सर्दियों में सर्दी होंगी है, गोहे नहीं सुकते, बालन का बहुत ज़्यादा मसला होंगे। तो फिर इंज घर वाले गोहे कट्ठे काट के रख छड़दे ने, जिहड़े सियाल में इस्तेमाल होंगे ने। अहीं अपने टोके लेंदे नूं दरवाजा भी लवाया, अक्सर लोग टोके लेंदे नूं दरवाजा नहीं लाते, दरवाजा लाए दा इस वास्ते लाए दा वे राती तुहानूं पता है वेली कोई भी नहीं हुंदा, अगर कोई जानवर वगैरह खोल जे, 4-5 हादसे भी होए ने साडे अपने इलाके विच इंज ते, कि जानवर खोल के जांदा वे टोके वाली मोटर नूं लगदा ही आ बिजली ने ताड़न लग के ते जानवर हलाक हो जांदा वे। इस वास्ते दरवाजा लाए दा वे, राती दरवाजा बंद कर छड़ी दा वे, इह वाली टेंशन मुक्क जांदी है। उस बाद नाल हाडा साडा वे तूड़े वाला अंदर, ए तूड़ी वगैरह सेव काट के रखी दे, जो कि हरे पट्ठे ना हो या सो मसला मसाइल बन जाए। ऐ तकरीबन 2 किलियां की तूड़ी है जी, 2 मझां वास्ते पूरा साल काफ़ी है। उस बाद होर इतने छोटिया मोटिया चीज़ा पे दी ने। उस बाद बच्ची है, बच्ची हाडी है बहुत ज़्यादा कीमती है, ऐ समझो अं ऑनलाइन मंगाई दी है, ऑनलाइन इंज मंगाई दी है, यूट्यूब तो वीडियो वेखी प्योर जर्सी नस्ल है जी, तकरीबन जो सूंदी है तकरीबन 35-40 लीटर दुध दिंदी है, प्योर जर्सी है। अं यूट्यूब तो वीडियो वेखी डेरा गाजी खान तो बच्ची आई दी है, उन्होंने दस्या है प्योर जर्सी नस्ल दी है, लेकिन अं उन्हें तबाड़ नहीं किया, अं बकायदा आप उ जाके ऐसा खून टेस्ट करवाया ही, 100 दे विचों 95% जर्सी है, खून टेस्ट करवा के। इस टाइम यदि उम्र 1 साल उदू 6 महीने थी, उदू अं 80,000 की लिया, लेकिन इतने लोगों नसला नहीं पता, इतने हूँ भी बेची हूँ भी तकरीबन बड़ी होगी 50,000 की होनी, 6 महीने पट्ठे पा के 6 महीने पहले 80,000 की लिया, लेकिन क्योंकि अं पैसे दिते हैं इन नसल के, तकरीबन जी दुआने सूना में लाख रेत रखे 35-40 लीटर इन्हें दुध देना। तो हूँ अं ऐसी करानी है डिहार्निंग, वो भी वीडियो शेयर करा, सू डॉक्टर साढ़े इलाके जो डॉक्टर नहीं लगता पैदी डिहार्निंग कराने वास्ते, तो उदन मैं सियालकोट गए तू डॉक्टर का पता करके आया वहाँ, उ एक डॉक्टर मिले, तो उन्हें कहा मैं 5,000 रुपये लाँगा,
ਦਿਹਾੜਨੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਦਿਹਾੜਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਟਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਰਿੰਗ ਚਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆੜਾ ਪੜਨ ਲੱਗਦਾ। ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੂਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਬਾਹਰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਨ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਫੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਅਕਸਰ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਖਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਏ, ਐਨ ਆਈਏ, ਥੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੇਵੜੇ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਵੇ, ਪੱਖਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਲਾਗ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।